सभी को नमस्ते। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज के जन सरोकार मंच के इस लाइव कार्यक्रम में। ममता, आज आप सभी के सामने अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत करूंगी और कुछ बातचीत भी मैं आप लोगों से साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे आज के इस कार्यक्रम में। और बहुत बहुत आभार जन सरोकार मंच का, देवेंद्र जी सर का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात कहने का। आप सबसे पहले माँ शारदे को वंदन नमन और मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। अब इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। मैं वैसे तो कोई लेखक नहीं हूँ, लेखकों की श्रेणी में मैं नहीं हूँ, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रयास जो मैंने किए थे अपने शुरुआत से लेकर के, उन प्रयासों को मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब मेरी आवाज़ आ रही है तो कंटिन्यूटी में मेरा नहीं था शुरू में। मैंने सबसे पहले जो अब मेरी लेखन की शुरुआत हुई थी, वो मेरी शुरुआत हुई थी 1992 में। तो उस समय जब कार सेवा हुई थी और पूरे देश का माहौल जो थोड़ा गर्म था, उस समय जब इस तरह की वारदातें थी तो दिमाग में एक हलचल सी मची कि मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो उस समय मैंने एक लेख लिखा था छोटा सा, बदला बेकसूरों से क्यों। उसको जब मैंने दिया तो मेरा प्रकाशित हुआ। उसके बाद फिर 2001 के आसपास, उसके बाद मैंने नहीं लिखा। फिर 2001 के आसपास कविताएं लिखी, कुछ छोटे छोटे गीत लिखे। और 97 में मैं, चूँकि राजकीय सेवा में आ गई थी शिक्षा विभाग में, मैं आपको बता दूं, मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूं, मैं ममता जाट, और वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठीनाथ तमाम में। वहाँ पर पिछले 2 साल से मैं कार्यरत हूँ। 22 साल का मेरा कार्यकाल है अब तक का शिक्षा का। तो इसके कुछ अनुभव जो है मैं आप सभी से साझा करना चाह रही हूँ। 2001-2 के आसपास फिर मैंने वापस अपने लेखन को शुरू किया। उसमें मैंने कुछ गीत और बाल गीत कविताएं लिखी। और उसके बाद फिर 2005 में जब अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का टोंक में शुरुआत हुई, तो पहली जो कार्यशाला थी उस कार्यशाला में मैं जयपुर गई थी। वहाँ जयपुर हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया गया कि आप लोगों को एक लेख लिखना है, सबको कोई पत्रिका द्वि मासिक पत्रिका निकालनी थी। तो उस पत्रिका का पूरा जो कार्य था वो हम लोगों ने किया था और उसमें कुछ आलेख मांगे थे। तो वहाँ जो मैंने आलेख दिया था, अगर प्रधान अध्यापक चाहे तो वो मेरा श्रीखंडी जुगत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था लेकिन उसके बाद फिर अभी 2015 में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मेरे जो साथी हैं सभी, मैंने काफ़ी 2005 से जुड़ी हुई, मेरे लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम भी किया है और सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। और आज मैं यही कहूँगी कि अगर आज मैं यहाँ हूँ, इस जगह हूँ जहाँ मेरे लेखन में एक अपनी लेखन के पहचान है या प्रशिक्षणों से मैं जुड़ी रही हूँ कंटिन्यू, तो ये कहीं ना कहीं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के मेरे जो सभी साथी हैं उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ये मैं कहूँगी। तो अब मैं आप लोगों के साथ, इसके बाद फिर मैंने 2015 में एक लेख लिखा। अनुपमा जी ने, देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, मनीषा जी, ये सब लोग मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे, तो इनके कहने पर मैंने एक लेख लिखा, कोई कब बनता है शिक्षक। उस आलेख में मैंने एक शिक्षक के अनुभव और एक शिक्षक का जो प्रयास और एक शिक्षक के जितने भी अनुभव बच्चों के साथ शिक्षण कार्य के दौरान होते हैं, वो अनुभव मैंने उसमें साझा किए थे। और सौभाग्य से प्रकाशित हुआ टीचर्स ऑफ इंडिया, जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट है उस पर। उसके बाद फिर मैंने अभी 2019 में APF के सदस्यों के कहने पर ये फिर लिखा। दरअसल मैं लेखन की मेरी खूबी हॉबी थी, लेकिन मैं बीच बीच में ड्रॉप कर देती हूँ उसको, भूल जाती हूँ क्योंकि काम इतने रहते हैं, ट्रेनिंग्स का काम, स्कूल का काम, इतने जगहों पर काम रहते हैं, तो मैं उसको दरअसल बीच बीच में ड्रॉप कर देती थी। लेकिन इसको कंटिन्यू बनाने के लिए APF के सदस्यों ने मुझे फिर कहा कि ममता जी आपको लिखना चाहिए। तो मैंने अभी शिक्षक शिक्षार्थी संबंध कैसे हों, ये आलेख मैंने लिखा। और उस आलेख
को लिखने के बाद वह भी मेरा प्रकाशित हुआ। उसके बाद कुछ और आलेख है जिनकी चर्चा बीच में, कुछ जो रचनाएं हैं, कुछ गीत हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। अभी लिखने पर मुझे कितना अच्छा लगता है या लिखने पर मुझे कितनी खुशी होती है, इसको मैंने शब्दों में व्यक्त किया अभी कुछ दिनों पहले ही, कि लिखने, क्योंकि लिखने के बाद अगर आपकी कोई चीज़ प्रकाशित होती है, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है लोगों का, बहुत अच्छा आपको प्रेरणा अगर मिलती है, संबलन मिलता है, तो आप और तत्पर होते हैं। मेरे अनुभव ये हैं, मैं कोई बहुत बड़ी लेखक नहीं हूँ, लेकिन छोटे छोटे अनुभव जो है मैंने वो अपने कलम से उतारे हैं कागज़ पर, और अपने साथियों के कहने पर और एक अनुभवों के साथ मैंने लिखा। शब्द तो हालांकि मेरे थे, शब्द में अपने उसमें शामिल मेरी सोच, मेरे अभिव्यक्ति उसमें शामिल होती है, तो उनको लेकर के मैंने लिखने का काम किया। तो कुछ और आलेख जो हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगी, अभी मैं एक गीत नहीं कविता है जो मैंने लिखने को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे साथियों ने जो मुझे फीडबैक दिया कि आप लगा कि चलो मैं आज लिखने पर ही कुछ लिखती हूँ, तो उसको लेकर मैंने लिखा। तो कुछ लाइनें हैं, लिखना कितना सुखद होता है, लिखना कितना कर मैंने जब चली कलम कुछ लिखने को, लिखने को जान लिया मैंने, खुद को पहचान लिया, मन के भाव हृदय के स्पंदन से उजले उद्गारों को भांप लिया। सब कहते हैं आसान है पढ़ना, सब कहते हैं आसान है पढ़ना, पर क्या सच में हमने पढ़ना जान लिया, पर क्या सच में हमने पढ़ना जान लिया, जब पढ़ पाएंगे दर्द किसी के, जब पढ़ पाएंगे दर्द किसी के, समझो खुद को पहचान लिया। बहुत दूर तक जाती हैं बिना शोर की आवाज़ें, बहुत दूर तक जाती हैं बिना शोर की आवाज़ें, सुन पाओ इनको तो समझो दर्द किसी का जान लिया। बहुत दूर तक जाती हैं बिना शोर की आवाज, वो तो जान लिया। थैंक यू, धन्यवाद सभी का जो मुझे संबलन दे रहे हैं। सबको जानो सबको समझो, लेकिन इतना याद रहे, सबको जानो लेकिन तुम खुद भी एक धरोहर हो, तुमने लिखकर जान लिया। हाल ही में मेरी जो लेखन को लेकर मैंने लिखी, उसके बाद मैं अब आपके सामने मेरा जो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने लिखा, क्योंकि प्रेरणा जो है इंसान को जाने में बहुत सहयोग करती है, और मेरे सभी साथियों का, मेरे परिवारजनों का, मेरे स्वजनों का, सबका सहयोग रहा। तो एक गीत मैंने लिखा, और ये गीत प्रेम शब्द जो है, प्रेम पूरी दुनिया में सबसे अहम शब्द है, क्योंकि आज जो भी हम जो माहौल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्रेम की कमी है। एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम अगर होता है, और प्रेम जहाँ होता है वहाँ समर्पण, सेवा, सहयोग, श्रद्धा, ये सब चीज़ें होती है। तो प्रेम को लेकर ही मैंने एक गीत लिखा, वो गीत मैं समर्पित करती हूँ आप सभी के सामने। गा रही हूँ गीत प्रीत मीत के लिए, गा रही हूँ गीत प्रीत मीत के लिए, गुनगुना रही हूँ आज जीत के लिए, गुनगुना रही हूँ आज जीत के लिए। तुम चले जो संग मिल गया मुझे करार, तुम चले जो संग मिल गया मुझे करार, हो गई खिजा भी दूर छा गई बहार, हो गई खिजा भी दूर छा गई बहार, दिल मत मेरा संगीत, गा रही हूँ गीत मीत के लिए, मातले दिलों की आरज़ू पले, आसमां तले दिलों की आरज़ू पले,
प्यार की सदा को सुन के दिल मेरा खिले, प्यार की सदा को सुन के दिल मेरा खिले। तुम पुकारो मैं पुकारूं जुस्तजू लिए, तुम पुकारो मैं पुकारूं जुस्तजू। गा रही हूँ गीत प्रीत मीत के लिए, आओ बैठो पास मेरी धड़कने सुनो, आओ बैठो पास मेरी धड़कने सुनो। धड़कनों का राग सुन के ताल तुम बुनो, धड़कनों का राग सुन के ताल तुम बुनो। मैं बनूंगी रागिनी मल्हार के लिए, मैं बनूंगी रागिनी मल्हार के लिए। गा रही हूँ गीत प्रीत मीत के लिए, खो रहे हो आज किस ख्याल में सनम, खो रहे हो आज किस ख्याल में सनम। जन्म जन्म बांध लो इस डोर से मुझको, जन्म जन्म मर मिटूंगी मैं तेरी मुस्कान के लिए। गा रही हूँ गीत प्रीत मीत के लिए, गुनगुना रही हूँ आज जीत के लिए। धन्यवाद। इस गीत के बाद मैं आपको नारी विमर्श पर एक कविता जो लिखी मैंने, नारी विमर्श पर मैंने अपनी भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया। तो नारी विमर्श पर एक कविता है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है महबूब साहब नमस्ते, गीता जी नमस्ते, सभी का बहुत बहुत आभार, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार, सभी का आभार कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं। और मैं इस तरह की उम्मीद करती हूँ कि आप सब 5:45 तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे ताकि मैं अपनी जो रचनाएं हैं आप लोगों से साझा कर सकूं। तो नारी विमर्श पर पहचानो मुझे तुम, ये हाल ही में मैंने अभी 5-7 दिन पहले लिखी थी। तो नारी विमर्श की कविता, तुम मुझे जानना चाहते हो, तुम मुझे जानना चाहते हो, तुम मुझे समझना चाहते हो, तुम मुझे समझना चाहते हो, तो सुनो, तो सुनो। मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत सहज हूँ, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत सहज हूँ। भीतर से जैसी हूँ बाहर से भी वैसी ही हूँ, भीतर से जैसी हूँ बाहर से भी वैसी ही हूँ। हाँ नारी हूँ मैं, हाँ नारी हूँ मैं, जग के अस्तित्व पर भारी हूँ मैं। हाँ नारी हूँ मैं, जग के अस्तित्व पर भारी हूँ मैं। कभी बराबरी का भाव मन में नहीं उपजा, कभी बराबरी का भाव मन में नहीं उपजा। तुमने मुझ में कुछ ही रूप देखे हैं, तुमने मुझ में कुछ ही रूप देखे हैं, जैसे मैं एक माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, मित्र हूँ। कभी देखा तुमने कि मैं बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ, पिता भी हूँ? नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारे अहम को चोट लगती है, क्योंकि तुम्हारे अहम को चोट लगती है। तुम मुझे बस घर के आंगन में और रसोई में ही देखना चाहते हो, तुम मुझे बस घर के आंगन में और रसोई में ही देखना चाहते हो। हम सफ़र तो बनाना चाहते हो लेकिन हमराज नहीं, हम सफ़र तो बनाना चाहते हो लेकिन हमराज नहीं। तो फिर मुझे कैसे जानोगे, कैसे समझोगे, तो फिर मुझे कैसे जानोगे, कैसे समझोगे। अबला नहीं सबला समझोगे तो ही जान पाओगे मुझे, अबला नहीं सबला समझोगे तो ही जान पाओगे मुझे। मेरे मन के भीतर बहुत से द्वंद्व पलते हैं, मेरे मन के भीतर बहुत से द्वंद्व पलते हैं, बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी पीड़ाएं हैं।
बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी पीड़ाएं हैं, उनको महसूस करोगे तो ही जान पाओगे मुझे, उनको महसूस करोगे तो ही जान पाओगे मुझे। पत्नी हूँ और प्रेमिका हूँ, बस इन दो रूपों में मत देखो मुझे। पत्नी हूँ और प्रेमिका हूँ, बस इन दो रूपों में मत देखो मुझे। इनसे भी परे झांक कर देखोगे तो पाओगे तुम, इनसे भी परे झांक कर देखोगे तो पाओगे तुम। इस सृष्टि की रचना का अहम किरदार हूँ मैं। इससे भी परे झांक कर जब देखोगे तुम तो पाओगे कि इस सृष्टि की रचना का अहम किरदार हूँ मैं। मेरे भीतर संवेदनाएं पलती है, मेरे भीतर संवेदनाएं पलती है, मेरे भीतर प्रेम पलता है, मेरे भीतर तुम भी पलते हो। मेरे भीतर संवेदनाएं पलती है, मेरे भीतर प्रेम पलता है, मेरे भीतर तुम भी पलते हो। फिर भी मैं कितनी सस्ती हूँ तुम्हारी नज़र में, फिर भी मैं कितनी सस्ती हूँ तुम्हारी नज़र में कि तुम मुझे ही अपमानित करते हो मेरी संज्ञाओं की गाली से। तुम मुझे ही अपमानित करते हो मेरी ही संज्ञाओं की गाली से। कितना दंभ पाल रखा है अपने भीतर तुमने, कितना दंभ पाल रखा है अपने भीतर तुमने, कितना आवेश है तुम्हारे भीतर, कितना आवेश है तुम्हारे भीतर, कितनी आतुरता है मुझे पाने की भी और मुझे खोने की भी, कितनी आतुरता है मुझे पाने की भी और मुझे खोने की भी। मैं सदियों से नदी ही रही और तुम सागर बनकर इतराते रहे, मैं सदियों से नदी ही बनी रही और तुम सागर बनकर इतराते रहे। मुझे भी कभी सागरिका बन जाने दो, मुझे भी कभी सागरिका बन जाने दो। फिर देखो मुझ में भी छिपे हैं मोती, फिर देखो मुझ में भी छिपे हैं मोती। तुम चांद बने रहे हमेशा और मुझे एक टूटा हुआ तारा ही समझा, तुम चांद बने रहे हमेशा और मुझे टूटा हुआ तारा ही समझा। क्यों क्यों तुम मुझ में वो निहारिका नहीं देख पाए, क्यों तुम मुझ में वो निहारिका नहीं देख पाए जो असंख्य तारों को अपने आंचल में समेटे, जो असंख्य तारों को अपने आंचल में समेटे, इस विशाल नभ में अपने नाम की आभा लिए खड़ी है, इस विशाल नभ में अपने नाम की आभा लिए खड़ी है। कब समझोगे तुम, कब समझोगे तुम कि अगर तुम चांदनी, कब कि तुम अगर चांद हो तो मैं चांदनी, तुम अगर तो मैं एक, तुम सागर की अथाह तो मैं उस जल, तुम सागर की अथाह जल राशि हो तो मैं उस जल की गहराई हूँ। जब मेरी गहराई को नाप लोगे तुम, जब मेरी गहराई को नाप लोगे तुम तो मुझे जान जाओगे, तो मुझे जान जाओगे। धन्यवाद। उमेश जी नमस्ते, नरेंद्र जी नमस्ते, रेखा जी नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, स्वागत आप सभी का। और देवेंद्र जी सर नमस्ते, आपका भी आभार। अब इसके बाद मैं आपके सामने अपनी एक जो रचना है, छोटी सी एक बाल कविता है, वो जरूर मैं साझा करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं शुरू में जब मेरा पोस्टिंग हुआ ही था, उसके बाद बच्चे जब मुझे कहते थे, कई बार स्कूल में उत्सव जयंतियाँ जब होती है तो बच्चे कहते हैं मैडम हमें कुछ लिख के, मैडम हमें कुछ दो ना, हम बोलेंगे कुछ, हम बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास उस वक्त के ऐसा कुछ मटेरियल नहीं होता था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही कुछ प्रयास करती हूँ बच्चों को लिख कर देने का। तो गांधी जयंती पे, गांधी जयंती पर फिर मुझे मैंने कुछ लिखा था, एक बाल कविता है जो मैं आपको सुना रही हूँ यहाँ पे, तो बाल कविता मैंने लिखी थी। आज है उनका जन्म दिवस जिनको हम बापू कहते हैं, छोड़ के हमको चले गए फिर भी वो दिल में रहते हैं। आज है उनका जन्म दिवस जिनको हम बापू कहते हैं, छोड़ के हमको चले गए फिर भी वो दिल में रहते हैं। उनकी बातें हम सबको ये याद दिलाया करती हैं, यूं ही नहीं मिली आजादी कुर्बानी से मिलती है। नमस्ते शिमला जी, नमस्ते विकास जी, नमस्ते।
यूं ही नहीं मिली आजादी, कुर्बानी से मिलती है। धर्म सिखाता भाईचारा, नहीं सिखाता है लड़ना। यही हमारा भी कहना है, यही था बापू का कहना। यही हमारा भी कहना है, यही है बापू का कहना। आज के दिन लाल बहादुर बन के फरिश्ता आए थे। सादा था जीवन उनका और उच्च विचार वो लाए थे। सादा था उनका जीवन और उच्च विचार वो लाए थे। बच्चों तुम भी उनके जैसे, बच्चों तुम भी उनके जैसे। लाज बचाना भारत की, पढ़ लिख कर तुम नाम कमाना। रोटी खाना इज्जत की, रोटी खाना इज्जत की। तो ये बाल गीत उन सब बच्चों को समर्पित, जो बच्चे जिनके साथ मैं शिक्षण कार्य करवाती हूँ या अब तक मैंने करवाया है, मेरा बच्चों के साथ जो विशेष लगाव है उन बच्चों के लिए ये गीत समर्पित। उसके बाद एक गीत जो है, डीपीपी की शुरुआत जब हुई थी तो डीपीपी की शुरुआत के दौरान ही हमारे अमुखीकरण प्रशिक्षण हुआ करते थे। क्योंकि मैं शिक्षक हूँ तो जो मेरी जो बातें होंगी उनमें शिक्षा से रिलेटेड बातें होंगी, आप इसको थोड़ा अन्यथा न लें। क्योंकि शिक्षक हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे कार्यक्षेत्र की बातें जरूर मैं यहाँ साझा करूँगी, मेरे अनुभव साझा करूँगी। तो प्रशिक्षणों के दौरान जो है, डीपीपी के प्रशिक्षणों के दौरान उन दिनों बहुत उत्साह हुआ करता था शिक्षकों में, क्योंकि प्रशिक्षण जो है, और हम तो नए नए थे तो हमें तो बड़ा उत्साह था। और प्रशिक्षणों में जो प्रेरणा गीत और चेतना गीत गाया करते थे, चेतना सत्र चलते थे, रात रात तक सत्र चलते थे, और उन सत्रों में जो प्रेरणा गीत, जागृति गीत, शिक्षा की अलख के गीत, जिनमें से कुछ गीत, घर घर अलख जगाएंगे बदलेंगे जमाना, हम मैं तुमको विश्वास दूं तुम मुझको विश्वास दो, इस तरह के ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, तो इस तरह के बहुत सारे जागृति गीत हम गाया करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी कोई जागृति गीत लिखना चाहिए और मैं लिख सकती हूँ। ऐसा मैंने सोचा कि मैं भी तो लिख सकती हूँ, मैं क्यों नहीं लिख सकती, इतने अच्छे गीत लोग लिख लेते हैं तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने भी कुछ गीत जो है लिखे थे, उन्हीं में से एक मेरा गीत है। उसकी मैंने धुन जो है किसी फिल्मी गीत से एक धुन दिमाग में मैंने रखी कि इस धुन पे मुझे गीत बनाना है, शब्दों का चयन मुझे करना था, धुन मैंने चुरा ली थी। मैं यही कहूँगी कि धुन जो है मैंने किसी गीत की चुरा ली थी और उसके बोल जो है मैंने अपने दिए थे। नमस्ते, सभी को नमस्ते, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार सभी का। आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं। सब इतनी दूर बैठकर भी आप लोगों ने अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला, ये बहुत बड़ी बात है। आओ मिलकर सबको पढ़ाएं, आओ मिलकर सबको पढ़ाएं, हम देश को आगे बढ़ाएं, हम देश को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ सब चलो। आओ मिलकर सबको पढ़ाएं, आओ मिलकर सबको पढ़ाएं। ओ यारा ये जग सारा बस देखता ही रह जाए, ओ यारा ये जग सारा बस देखता ही रह जाए। कर जाए ऐसा काम हम सबकी मिले दुआएं, कर जाए ऐसा काम हम सबकी मिले दुआएं। फैला दे ये शिक्षा की ज्योति,
फैला दे ये शिक्षा की ज्योति, दे ज्ञान को सबको मोती, दे ज्ञान के सबको मोती। मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ सब चलो, मेरे साथ सब चलो। आओ मिलकर सबको पढ़ाएं, आओ मिलकर। थैंक यू ब्रिजमोहन जी, थैंक यू देवेंद्र जी सर। ओके, तो मैं वापस से अपना गीत वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ इसका थर्ड जो पैरा था वहाँ मैं थी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी सभी से। अंतिम उसके तीन लाइनें गीत की, उसके साथ मैं इस गीत को समाप्त करूँगी। ओ ममता तेरे हिंद की कुछ ऐसी बने कहानी, ओ ममता तेरे हिंद की कुछ ऐसी बने कहानी। हर घर में राजा राम हो, घर घर में सीता रानी। हर घर में राजा राम हो, घर घर में सीता रानी। हो भरत लखन से भाई, हर घर में हो कृष्ण कन्हाई। मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ सब चलो, मेरे साथ सब चलो, मेरे साथ सब चलो। आओ मिलकर सबको पढ़ाएं, हम देश को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ सब चलो, मेरे साथ सब चलो। पुनः मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप जुड़ रहे हैं मुझसे, धन्यवाद रामेश्वर जी। आप सब मेरे साथ बने रहें कुछ मिनट और। चलिए, इसके बाद मैं अभी हाल ही का एक मेरा जो अनुभव है वो मैं आपको सुनाऊंगी। अभी हाल ही में मैं एक साहित्यिक ग्रुप से जुड़ी थी, पाती अपनों की, जो हमारे यहाँ SDM साहब डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी का ग्रुप है। बहुत बहुत आभार उनका, सर का, चंद्रमोहन जी उपाध्याय, श्रीमान चंद्रमोहन जी उपाध्याय जो हमारे पूर्व DO रह चुके हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगी मेरे आज के इस कार्यक्रम में, कि उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया और अपने पाती अपनों की ग्रुप से मुझे जोड़ा। उस ग्रुप में जो है साहित्यकार उसमें जुड़े हुए हैं काफ़ी, और उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्हीं की प्रेरणा से जब मैं ग्रुप में जुड़ी तो उस ग्रुप में जो लिखते हैं लोग उनको देख देख करके मैंने सीखा। एक जापानी काव्य कविता की एक विधा है हाइकू, जिसको हाइकू कहते हैं, तो मैंने जब उसमें हाइकू पढ़े तो मुझे लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ, शायद मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिख सकती हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने हाइकू लिखा। हाइकू जो है, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इसका, कि हाइकू जो है ये जापानी साहित्य की एक कविता की विधा है। इसमें प्रथम जो वाक्य होता है ये तीन वाक्यों का एक पैरा बनता है इसमें, और प्रथम जो है वो पाँच वर्णों का होता है, और द्वितीय में 7 वर्ण होते हैं, और तृतीय में फिर से 5 वर्ण होते हैं, और इस तरह से वो एक हाइकू बनता चला जाता है। इसमें मात्राओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने प्रयास किया और उस ग्रुप में भी मैंने इसको साझा किया, मुझे इसका फीडबैक मिला, कुछ सुझाव भी मिले, तो उन सुझावों के आधार पर मैंने इसमें कुछ संशोधन भी किया। तो वही हाइकू मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हाइकू का इस पर मैंने जो शीर्षक दिया था वो था प्रेम सत्य है। वो चांद सा था, वो चांद सा था, कोमल सा था मन, वो चांद सा था, कोमल सा था मन, शीतल वाणी, निर्मल गात, हसमुख चेहरा, चंचल मन, निर्मल गात, हसमुख चेहरा, चंचल मन, वो मेरा ही था, वो मेरा ही था,
मन से बंधी डोर प्रीत पुरानी, मन से बंधी डोर प्रीत पुरानी, धड़कन से धड़कन जुड़ी थी, धड़कन से धड़कन जुड़ी थी, सांस से सांस, वो जो मिला तो सच हुआ सपना, वो जो मिला तो सच हुआ सपना, मिली खुदाई। जीवन झूमा सरगम बजती मन मयूर, जीवन झूमा सरगम बजती मन मयूर, हम तुम हैं जमीन आसमान, हम तुम हैं जमीन आसमान बने क्षितिज, हम तुम हैं जमीन आसमान बने क्षितिज, अविरल सी बहे प्रेम की धारा, अविरल सी बहे प्रेम की धारा, कल कल सी, कल कल सी, सजा दे आओ इस जग को आज, सजा दे आओ इस जग को आज रसधार से, प्रेम सत्य है, प्रेम ही सुंदर है, प्रेम है शिव, प्रेम सत्य है, प्रेम ही सुंदर है, प्रेम है शिव, राधा सी वो है, राधा सी वो है मनमोहन सा मैं, राधा सी वो है मनमोहन सा मैं, दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, जग को करें पुलकित पावन, जग को करें पुलकित पावन मन भावन सा, जग को करें पुलकित पावन मन भावन सा। ये मेरा जो मैंने लिखा था हाइकू, जो आप सभी के साथ मैंने साझा किया, इसमें मात्राओं का ध्यान रखते हुए मैंने प्रयास किया था और आप सभी को ने इसको सुना। और भविष्य में कभी लेखन को लेकर मुझे लगता है तो जो साथी इस बारे में अच्छी समझ रखते हैं लेखन को लेकर, क्योंकि मेरी इतनी बहुत अच्छी समझ इस पर नहीं है, कुछ छोटे छोटे से प्रयास है जो मैं करती रहती हूँ, और इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना जन सरोकार मंच के माध्यम से एक ऐसा मंच है जहाँ लोगों को एक पहचान भी मिलती है और उनको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के अवसर भी यहाँ मिलते हैं। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति अगर करना है तो आपको अवसर तलाशने होंगे और अवसर तलाशने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोई मंच तलाशना होगा, और ऐसा मंच जिस मंच के साथ, और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैं ऐसे मंच से जुड़ी हुई हूँ, और बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, बहुत पहले जब ऑफलाइन भी जब इसके प्रोग्राम हुआ करते थे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन कार्यालय टोंक में, तब भी मैं लगातार जाती थी, मैं साहित्यकारों को सुनती थी, कवियों को मैंने सुना, साहित्यकारों को मैंने सुना, कई बार पुस्तकों के जो विमोचन थे उसमें भी मैं शामिल हुई, तो कहीं ना कहीं वो अनुभव मेरा जो है लेखन में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। तो आप लोगों के भविष्य में कभी ऐसे भी तो आप लोग जरूर मुझे सुझाव दीजिएगा, जो लेखन का शौक रखते हैं, जो लेखन को लेकर कुछ अनुभव रखते हैं, वो साथ ही मुझे जब जरूर बताएं। इसके बाद अब मैं आपके सामने पिछले साल के एक अनुभव, छोटा सा अनुभव है जो आपके सामने मैं एक कविता के रूप में शेयर कर रही हूँ। पिछले साल 15 अगस्त और राखी, दोनों त्यौहार एक राष्ट्रीय पर्व एक धार्मिक पर्व, दोनों एक साथ आए। अब ऐसा समय, ऐसा अवसर जब एक साथ आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो अरे ये तो दोहरी खुशी है कि एक तरफ राष्ट्रीय पर्व है, एक तरफ हमारा धार्मिक पर्व है। तो जब इस दोहरी खुशी को, अपने भावों को मैं जब रोक नहीं पाई तो फिर मुझे लगा कि मुझे आज कुछ लिखना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें और आप लोग मुझे संबलन बना देते रहें। आप लोगों के साथ में अगर यहाँ रहूँगी तो मैं कुछ चीज़ें शेयर भी कर पाऊँगी आपके साथ। तो वो जो अनुभव मेरा 15 अगस्त का पिछले साल, पिछले वर्ष का, तो उसको मैंने एक गीत के रूप में उसको लिखने का प्रयास किया। सावन ने बरसाया अपने आंगन में ये दोहरा प्यार, सावन ने बरसाया अपने आंगन में ये दोहरा प्यार, राखी का प्यारा दिन आया और आया कौमी त्यौहार, राखी का प्यारा दिन आया और आया कौमी त्यौहार, आज के दिन आज़ाद हुए हम खुशियां छलकी बेशुमार, आज के दिन आज़ाद हुए हम खुशियां छलकी बेशुमार, वतन परस्तों ने किया था भारत माता का श्रृंगार, वतन परस्तों ने किया था भारत माता का श्रृंगार, देश के लाल करेंगे आज
सलाम तिरंगे को सौ बार। देश के लाल करेंगे आज सलाम तिरंगे को सौ बार, तेरी शान रहे सदियों तक आन पे तेरी जानिसार। तेरी शान रहे सदियों तक आन पे तेरी जानिसार। आज है आई बहना लेकर राखी और फूलों का हार। आज है आई बहना लेकर राखी और फूलों का हार, रेशम के धागे ने बांधा भाई और बहन का प्यार। रेशम के धागे ने बांधा भाई और बहन का प्यार, बहनों ने भाई से मांगा आज ये तोहफा पहली बार। बहनों ने भाई से मांगा आज ये तोहफा पहली बार, भारत माँ की रक्षा में जाना है तुझको सरहद पार। भारत माँ की रक्षा में जाना है तुझको सरहद पार, हर आंगन में दोहरी खुशी है चेहरों पर मुस्कान अपार। हर आंगन में दोहरी खुशी है चेहरों पर मुस्कान अपार, गाओ गीत खुशी के मिलकर दीप जलाओ दिल के द्वार। गाओ गीत खुशी के मिलकर दीप जलाओ दिल के द्वार, देश प्रेम की सरगम दिल में सावन ने गाया मल्हार। देश प्रेम की सरगम दिल में सावन ने गाया मल्हार, आज मनाओ उत्सव मिलकर गूंजे दिलों में जय जयकार। आज मनाओ उत्सव मिलकर गूंजे दिलों में जय जयकार, ऐसे ही घर करते रहे हम भारत माँ से प्यार। ऐसे ही घर करते रहे हम भारत माँ से प्यार, तो फिर से आ जाएगी ममता अपने वतन में बहार। तो फिर से आ जाएगी ममता अपने वतन में बहार। ये समर्पित, ये गीत समर्पित उन देशभक्तों को, उन जवानों को जो सरहद पे हम सब की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, क्योंकि वो हैं तो हम सुरक्षित हैं। इसी भावना के साथ ये गीत उन्हीं को समर्पित करते हुए। हाँ सर, क्या हुआ, आवाज़ आ रही है क्या? सीताराम जी नमस्ते। सीताराम जी, अशोक जी सर नमस्ते, हंसराज जी तंवर सर नमस्ते। जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं, लगातार मेरे साथ हैं, मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? ठीक है, थैंक यू। करगिल युद्ध के समय, उस समय जैसा कि मैंने आपको भी पूर्व में बताया कि करगिल युद्ध के समय भी मन में कई बार ऐसी भावनाएं आती थी कि मैं कुछ लिखूं, तब मैंने एक कविता लिखी थी, चुनौती नाम से मैंने एक कविता लिखी थी। उस समय बहुत कुछ घट रहा था देश में, कुछ समय बाद ही फिर ये संसद पर हमला हुआ दिसंबर में, और करगिल युद्ध भी हुआ। तो उस समय जब जो ये घटनाएं घट रही थी देश में बार बार, तो मेरा मन बार बार विचलित होता था और मैं लिखने के लिए प्रेरित होती थी। जब भी कभी मन विचलित होता है या कुछ ऐसा, तो लगता है कि मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए अपनी कलम के माध्यम से, तो मैं उसी वक्त लिखने बैठ जाती थी। तो उसी समय जब मैं स्कूल में ही थी, उस दिन मैं स्कूल में बैठी थी और समाचार और ये सुनते रहते थे कि करगिल युद्ध चल रहा है, ये वो, तो उस समय लगा कि एक जोश में, एक जुनून में मैंने एक ये जो कविता है। ठीक है, थैंक यू निधि जी, थैंक यू सैनी शंकर जी सर नमस्ते। ठीक है, आ रही है मेरी आवाज़? तो ये मैंने लिखी थी कविता चुनौती, मैंने इसको शीर्षक दिया था। हिमालय की फजाओं से सुनो आवाज़ आई है, हिमालय की फिजाओं से सुनो आवाज़ आई है, हमारे एक पड़ोसी से हमें ललकार आई है, हमारे एक पड़ोसी से हमें ललकार आई है। कश्मीर पर अब पाक की नापाक नजरें हैं, कश्मीर पर अब पाक की नापाक नजरें हैं, जिधर देखो उधर जन्नत को बस खतरे ही खतरे हैं, जिधर देखो उधर जन्नत को बस खतरे ही खतरे हैं। हमारे मुल्क से देखो हमें दुश्मन भगाना है, हमारे मुल्क से देखो हमें दुश्मन भगाना है, माँ भारती के दामन को मेला होने से बचाना है। अरे ओ सुन पड़ोसी मुल्क समझ जा एक इशारे में, अरे ओ सुन पड़ोसी मुल्क समझ जा एक इशारे में, हमें हर हाल में तेरा ये सर झुकाना ही झुकाना है, हमें हर हाल में तेरा ये सर झुकाना ही झुकाना है। हमको वतन अपना न गोली से सजाना है, हमको वतन अपना न गोली से सजाना है,
सजाएंगे मगर होली दिवाली से सजाना है, सजाएंगे मगर होली दिवाली से सजाना है। बहुत समझा चुके तुझको, बहुत समझा चुके तुझको, न अब तू आजमा हमको। बहुत समझा चुके तुझको, न तू अब आजमा हमको, अब सामने आजा कि तुझको आजमाना है, अब सामने आजा कि तुझको आजमाना है। जय हिंद जय भारत, ये गीत मैंने लिखा करगिल युद्ध के समय, जो आपसे मैंने शेयर किया। जब भी कभी मन में विचार आए लिख लेना चाहिए, मेरा तो आपसे भी यही निवेदन है, आप सभी से यही मेरा एक सुझाव समझ लीजिए मेरी तरफ से, कि जो चीज़ जब आ जाए उसको लिख डालो। अभी हाल ही में कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, और ऐसे दौर से जबकि पूरी दुनिया जो है आज दहशत में, आज भी हम उससे नहीं उभर पाए। 6 महीने हो गए, लगातार 6 महीनों से हम इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे। तो इसी थोड़ा सा मैं आपसे बीच में बातचीत करना चाहूँगी अपने लेख को लेकर के। समय नेहा, समय बताना, 44 मिनट। तो इसी को लेकर के मैंने एक लेख लिखा था कोरोना काल को लेकर के, क्योंकि उस समय दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल थी, और डीओ साहब श्रीमान चंद्रमोहन जी उपाध्याय ने मुझसे कहा कि आप एक लेख लिखें कोरोना काल को लेकर के। और वो उनका मानस था कि कोरोना काल में जितने भी लेख आएंगे उन लेखों से हम, मुझे एक बुक प्रकाशित करवानी है, पुस्तक प्रकाशित करवानी है। तो उन लेखों में मैंने भी अपना एक लेख उनको भेजा, और मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा लेख चयन हुआ, और उस पुस्तक के लिए मेरे लेख का चयन हुआ। तो इसके लिए मैं सर को बहुत, इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत सर का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने मुझे वो अवसर दिया, वो मौका दिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लेख जहाँ पर आए, क्योंकि वहाँ भारत से नहीं, वहाँ विदेशों से भी लेख आए, और वहाँ पर एक लेख आया तो कोरोना काल का मैंने, कि एक ऐसा दहशत का माहौल, ऐसा डर हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी उस, इस दौर की कभी शायद कभी कल्पना नहीं की थी हमने ही, क्या शायद हमसे पहले की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने भी नहीं की थी कि ऐसा भी कोई दौर आएगा जो हमें देखना पड़ेगा। और वो लेख मैंने लिखा कोरोना काल पर, और अभी हाल ही में उस किताब का जो विमोचन किया डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी सर ने, उसमें मेरा लेख हो छपा। किताब का नाम है दुनिया घुटनों पर, तो उसमें मैंने अपना पूरा आलेख लिखा है। आप सभी पढ़कर फीडबैक दीजिएगा कभी समय मिले मुझे उसके लिए, कभी मेरे आलेखों पर चर्चा, क्योंकि एक निश्चित समय होता है 30-45 मिनट पर शायद हम इतनी चर्चा नहीं कर पाएँ, या मेरे कुछ गीतों को मैंने शेयर कर पाई हूँ, तो कभी मेरे अपने आलेखों को लेकर के मैं चर्चा करूँगी, तो तब हम उस पर बात करेंगे। एक गीत और मेरा जो मैंने बच्चों, ये भी मेरे बच्चों के लिए समर्पित, जिन बच्चों के लिए मैंने ये गीत लिखा वो कहते थे मैडम हमें लिख के दीजिए, तो एक गीत जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, लिखना नई कहानी, बच्चों को समर्पित है ये, कि बच्चों तुम लिखना एक नई कहानी। बचपन में मैंने बहुत सुनी थी बच्चों एक कहानी, एक था मंगल पांडे एक झांसी की रानी। बचपन में मैंने बहुत सुनी थी बच्चों एक कहानी, एक था मंगल पांडे एक झांसी की रानी। वो आजादी के दीवाने सच्चे हिंदुस्तानी, अंग्रेजों से लड़कर मिट गए ते गए कुर्बानी। सदियों तक लिखी जाएगी उनकी अमर कहानी, एक था मंगल पांडे एक झांसी की रानी। फिर चमके भारत के नभ पर कई वीर सेनानी, फिर चमके भारत के नभ पर कई वीर सेनानी। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह बिस्मिल और उस्मानी, चूम के वो फांसी का फंदा बोल उठे अभिमानी। वंदे मातरम वंदे मातरम, जय माँ जय भवानी।
उनके इस बलिदान से आई खून में नई रवानी। आजादी की जंग ने लिख दी फिर एक नई कहानी। आजादी की जंग ने लिख दी फिर एक नई कहानी। फिर एक दिन आजाद हो गए आई नई जवानी। आजादी की सुबह लेकर आई शाम सुहानी। तुम भी बच्चों उनके जैसे लिखना कोई कहानी। एक तमंगल पांडे एक झांसी की रानी। एक थमंगल पांडे एक झांसी की रानी। थैंक यू, आपने इसको सुना, मुझे मोटिवेशन दिया। इसके लिए एक गीत बसंत पर, ये भी बच्चों के लिए मैंने लिखा था। जो बसंत पंचमी को बच्चे कहने लगे, मैडम हमें है ना कोई गीत लिख के दो, हम बसंत पंचमी पर इसको गाएंगे। चलो ठीक है। तो ये मेरे छोटे छोटे अनुभव हुए। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कोई बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, केवल अपने भावों को कलम के माध्यम से कागज़ पर उतारती हूँ। अब वो साहित्यिक दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। ये तो वही लोग बता सकते हैं जो लेखन को लेकर बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, तो वो लोग मुझे बता सकते हैं। बाकी ये तो अपने विचार हैं, मेरे भाव हैं, जो मैंने छोटे छोटे अपने शब्दों में इनको मैंने आप लिखा और आपके बीच में आज साझा कर रही हूँ। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। मस्ताना है ये मौसम दिल में उमंग लाया। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। मस्ताना है ये मौसम दिल में उमंग लाया। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। सरसों के खेत देखो सोना लुटा रहे हैं। सरसों के खेत देखो सोना लुटा रहे हैं। सारे किसान देखो ये गीत गा रहे हैं। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। मीठे तरान देखो बुलबुल भी गा रही है। कोयल भी ले में सबको सरगम सुना रही है। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। मस्ताना है ये मौसम दिल में उमंग लाया। प्यारा बसंत आया संग में सो रंग लाया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी भी अपने कुछ सीमाएं, मेरी तो नहीं लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं कि एक निश्चित समय है जो मुझे इस मंच के लिए यहाँ मिला हुआ है। उन सीमाओं में मैं भी बंधी हुई हूँ। मेरे और भी बहुत सारे गीत कविताओं के अलावा मैंने कुछ भजन भी लिखे, लेकिन मैं आज इस मंच से इसको साझा नहीं करूँगी। कभी लाइव आई तो मैं कुछ गीत, जैसा कि अभी मुझे कमेंट में भी अभी मैंने पढ़ा था कहीं, शायद सीताराम जी देतवाल सर का था, कि ममता जी को ही लता जी का गीत सुनाइए। देखिए मैं इतनी काबिल तो नहीं कि लता जी का गीत आप सबके सामने लाइव होकर गाऊं, लेकिन फिर भी आपकी अगर इस तरह की भावनाएं हैं, मेरे साथ आप लोगों की भावनाएं जुड़ी है, तो मैं ज़रूर कभी फिर लाइव जब आऊँगी तो मैं, हो सकता है स्पेशली मैं कुछ ऐसे गीत और वो चीज़ें लाऊँ जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूँ। मेरे कुछ भजन भी हैं जो कृष्ण भगवान को समर्पित मेरे भजन, तो वो भी मैं कभी आपसे साझा करूंगी। आज की समय सीमा मेरी समाप्त हो रही है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ दिल से, हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार। और आप लोग यहाँ पर आए, अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया और मेरे साथ लगातार आप लोग जुड़े रहे। थोड़ा सा मुझे भी उस थोड़ी मैं माफ़ी चाहूँगी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई, तो मैं देख रही हूँ कि मेरे काफ़ी साथी जो हैं जो यहाँ पर जुड़े हुए थे वो शायद ऑफलाइन हो गए हैं, तो
उतने लोग नहीं जुड़ पा रहे जितना शुरू में जुड़े थे, तो बाद में वो इतना जुड़ नहीं पाए, तो वो हो जाता है। अभी नेट प्रॉब्लम है, मेरी अपनी प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन करूँ क्या। चलिए अब आज इतना ही, आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, देवेंद्र जी सर खास तौर से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच दिया, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के सभी साथी, सभी सदस्य जो आज मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं और जिनकी प्रेरणा से आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे लेखन में, आज जो लेखन में मैं लिख रही हूँ, मेरे कुछ लेख जो हैं किताबों में प्रकाशित हो रहे हैं, हरियाणा की पत्रिका शिक्षा सारथी तक में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, वो उसके अलावा और भी लेख, उन लेखों पर स्पेशली चर्चा के लिए मैं कभी जनसरोकार मंच के माध्यम से आपके बीच में आऊँगी। और धन्यवाद सभी का, नमस्कार, नमस्ते।